बहादुरगढ़ से खबर, जहां सब्जी मंडी का दुकानदार कोरोना पॉजिटिव मिला है और बहादुरगढ़ में कोरोना के 19 एक्टिव मरीज अब कुल मिलाकर के हो चुके हैं। दो दिनों में 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। दिल्ली की सब्जी मंडी से खरीदारी की इनकी हिस्ट्री बताई जा रही है। बहादुरगढ़ जिले में कोरोना का आंकड़ा 26 हो चुका है। मंडी के आढ़ती और दुकानदारों की आज रिपोर्ट आएगी। वहीं सब्जी मंडी का दुकानदार कोरोना पॉजिटिव मिला है, यानी कि इसी तरीके से उसी पैटर्न में यहां ये एक और मामला सामने आया है। और इससे पहले आपको बता दें कि दो दिनों में 18 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और दिल्ली की सब्जी मंडी से खरीदारी की उनकी हिस्ट्री बताई जा रही है। और इसी को लेकर के यहां जो अब ताजा मामला जो सामने आया है, आप उसमें ये बताया जा रहा है कि सब्जी मंडी का दुकानदार है जो कि कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो जाहिर तौर पर उसी तरीके के उसी पैटर्न पर ये मामले सामने आ रहे हैं। और इसी को लेकर के बहादुरगढ़ जिले में कोरोना का आंकड़ा 26 हो चुका है। मंडी के आढ़ती और दुकानदारों की आज क्योंकि पहले से टेस्टिंग हो चुकी है, तो ऐसे में उनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी भी है। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता फुलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से बहादुरगढ़ से मामले सामने आ रहे हैं, चिंता का एक बड़ा कारण भी है, लेकिन अब क्या स्थिति बनी हुई है, क्या और जानकारी आपके पास है? जितने आ रहे हैं वो सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से अब तक 16 जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। 17 लोग संख्या हो गई, आज एक और आया है। वहीं झज्जर से भी दो सब्जी मंडी के आढ़ती के परिजन जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव आए गए हैं। उसके बाद सब्जी मंडी के जो आढ़ती उनके संपर्क में आए लोग और उनके परिजन और उसके कॉलोनियों में वो रहते थे, उन कॉलोनियों के लोगों को सैंपलिंग के लिए सामान्य अस्पताल ले जाया गया है और लगातार सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। बहादुरगढ़ के सैंपलों की रिपोर्ट कल आई थी और आज झज्जर के सैंपलों की रिपोर्ट आ रही है। बहादुरगढ़ से भी आज सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। कंटिन्यू जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो कंटोनमेंट एरिया की नाकेबंदी कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोगों को ये समझाया जा रहा है कि वो लोग घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि कोरोना के अगर चेन को तोड़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि लोगों के संक्रमण में या लोगों के संपर्क में आने से बचना है। बहुत शुक्रिया प्रवीण इस जानकारी के लिए। तो ये फिलहाल मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही अब कई चीजें हैं जो कि साफ हो रही हैं और इसी को लेकर के एहतियात प्रशासन और सरकार के द्वारा उठाया भी जा रहा है।